घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों और पथ विक्रेताओं द्वारा भोपाल के अम्बेडकर जयंती मैदान सेकंड स्टॉप में आमसभा का आयोजन किया गया। आमसभा के उपरांत रैली निकालकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। घरेलू कामगार यूनियन मध्य प्रदेश, निर्माण मजदूर यूनियन मध्य प्रदेश एवं स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आमसभा और रैली में भोपाल से घरेलू कामगार, महिलाएं, पथ विक्रेता और निर्माण श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आमसभा में संगवारी सांस्कृतिक समूह के नौजवानों ने जनगीत प्रस्तुत किए और विभिन्न मजदूर संगठनों के नेताओं ने अपनी बात रखी। सभा का संचालन गौरव तथा आभार व्यक्त कार्यक्रम की संयोजक प्रीमा ने व्यक्त किया। समानता, बंधुत्व, भाईचारे की जो बात कही गई है, इस देश में जातीय व्यवस्था को खत्म करने की जो बात की गई है, इस देश में गरीबी अमीरी को जो खत्म करने की बात की गई है, उस संविधान की रक्षा और उसकी शपथ लेकर हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ ये शपथ लेते हैं कि मजदूर अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस संघर्ष को, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे 200 से 250 लोग हैं, आने वाले समय में हम लोग 2000 से 20000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस शहर में, इस राज्य में घरेलू कामगारों की, निर्माण श्रमिकों की और स्ट्रीट वेंडरों की एक मजबूत लड़ाई का शुरुआत करेंगे, मजबूत संघर्ष की शुरुआत करेंगे। इस शपथ के साथ आज हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। हम नारे के साथ में बाबा साहब, जिनके हमें जज्बा दिखाया, जिन्होंने हमें रोशनी दी, जिन्होंने हमें इस देश में दलितों, आदिवासियों, वंचितों को एक बराबरी का हक दिया, उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे, इस नारे के साथ। अरे दुनिया के मजदूरों, एक हो, एक हो, एक हो। अरे दुनिया के मजदूरों, एक हो, एक हो, एक हो। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। उसके बाद हम लोग एक सर्कल लगा के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर एक सर्कल लगा के इधर हो। एक स्ट्रीट वेंडर यूनियन का है, एक निर्माण मजदूर यूनियन का है, घरेलू कामगार यूनियन का, तीन होगा, तीन होगा। कमेटी, ये सब समस्या है सर।
फिर उनका जैसे कार्ड या सर अभी कार्ड भी नहीं बन रहा है ना, लेबर डायरी बन रही है और स्टिपेंडेंट के तो सर कोई कानून ही नहीं है ना। अभी हम काम करते हैं बंगले पर तो क्या हो रहा है अभी सैलरी भी फिक्स। मेरा नाम जयश्री वाकोड़ है, मैं न्यू अम्बेडकर नगर में रहती हूँ और मैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए काम कर रही हूँ और वो ठेले वालों के लिए भी कर रही हूँ और ये जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। आज अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया था। इसलिए करा था क्योंकि हमारी जो मांगे है वो सरकार तक के पहुँचे और हमारी मांगे पूरी करे। क्या है आपकी मांगे? हमारी मांगे ये जैसे घरों में काम करने महिलाएं जाती है, इनके घंटों के काम के पैसे तय नहीं हुए हैं और कोई बीमार रहता तो दूसरी बाई लग जाती है उसमें और घंटों से काम, और हमारा कुछ ये बोर्ड बने जैसे आप चाहते हो आपका कानून बने। हाँ, हमारा एक कानून बने और हम चाहते कि सभी जैसे कानून के दायरे में लेके काम हमारा भी हो, जैसे सब संगठन वालों का होता है तो हमारा भी एक काम हो। काम के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया? हमने अभी कमिश्नर साहब को विज्ञापन सौंपा है, अब वो कह रहे थे कि हम आगे तक पहुंचा देंगे करके, तो उन्होंने हमें ज्यादा रैली के निकालने के लिए अनुमति नहीं दी थी तो हमने सिर्फ यहीं पे करा और यहाँ से गेट तक के ही गए थे। आपका ज्ञापन समय पर नहीं पूरा और नहीं पहुँचा, फिर हम आगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अभी यहाँ पे फिर रोड पे निकलेंगे तो थोड़े जैसे अभी हमने थोड़ा सा ये मांगा था परमिशन, आगे के लिए और परमिशन मांगेंगे तो हम फिर रोड पे भी निकलेंगे। और मैं न्यू अम्बेडकर नगर में रहती हूँ। हम लोग लगभग 2019 से हमने घरेलू कामगार यूनियन का एक संगठन बनाया था जिसमें हमारी काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी और भी महिलाएं जुड़ें और जो किसी भी चीज़ से वंचित हैं तो उनको भी उन चीज़ों का न्याय मिले, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि महिलाएं जो हमारी बहनें हैं बंगलों पे काम करने जाती हैं, छुआछूत वगैरह होती है, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हों।